चलो पिताजी, अब तो परेशानी दूर हुई। अब टीवी नहीं है तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा अब। अरे बेटा, पहले टीवी बीवी की बात बंद करो। दोस्तों, हमें बनाए हैं टेक अभिषेक 2.0 ने, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से। दोस्तों, जस्ट आपने जो शुरुआती में कार्टून क्लिप देखा है ना, वो जस्ट मैंने खुद अपने मोबाइल से बनाया। उसमें दोस्तों आप मेरी वॉइस भी पहचान लिए होंगे, ठीक है, कि मैं ही उसमें बोल रहा हूँ करेक्टर वाइज। लेकिन अगर मैं दोस्तों उसी कार्टून को अगर और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहता तो और भी अट्रैक्टिव बना सकता था, लेकिन सिर्फ आपको प्रूफ देने के लिए दोस्तों उसमें मैंने अपनी वॉइस दिया है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसके पहले जो कार्टून वीडियो का जो ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया था, उसमें बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि भाई आप खुद से वीडियो नहीं बनाए हैं, मतलब कि आप दूसरे की वीडियो उठा के सिर्फ क्लिप में लगा दिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि भाई मैं अपनी मेहनत से दोस्तों बना के आपको समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आ रहा था, हालांकि बहुत सारे लोग को समझ में आ गया कि भाई मैंने खुद बनाया, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने उसमें जो क्लिप था शुरुआती में जो मैंने ऐड किया था, वो मैंने दूसरे का वहाँ पर ऐड कर दिया था। इसीलिए दोस्तों इस बार मैंने क्या किया, खुद अपनी वॉइस उसमें लगाया, करेक्टर वाइज वॉइस नहीं लगाया। अगर करेक्टर वाइज मैंने शेर का अलग वॉइस लगाता और उसमें जो अगर जो उसमें वीमैन बोल रही है उसके लिए मैं अलग वॉइस लगाता, तो वही कार्टून एकदम प्रोफेशनल कार्टून की तरह दिखता, एकदम जबरदस्त कार्टून की तरह दिखता। जो दोस्तों लोग लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर से बनाते हैं, वो आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाना है सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों क्या है, ये जो AI है इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी वॉइस देनी है, आपको अपनी वॉइस देनी है, और वो करेक्टर वॉइस आप चाहे शेर से बुलवा सकते हैं, चूहा से बुलवा सकते हैं, बिल्ली से बुलवा सकते हैं, चाहे कोई मैन से बुलवा सकते हैं, मतलब आदमी से बुलवा सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई औरत से बुलवाना चाहते हैं तो औरत से बुलवा सकते हैं। सिर्फ आपको अपनी वॉइस देनी है और वो AI वाला क्या करेगा, आपको उसकी पूरा कन्वर्ट करके आपको एक वीडियो दे देगा, और आप उसको दोस्तों उसको यूट्यूब पे अपलोड करके, आप चाहेंगे उसको फेसबुक पे भी अपलोड कर सकते हैं, अपलोड करके दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा जबरदस्त व्यूज मिलेगा। आपको पता है दोस्तों कि कार्टून का कितना ज़्यादा ट्रेंड होता है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कार्टून को बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, तो अगर ऐसे वीडियो पर अगर आप वर्क करते हैं दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे के पास अगर मोबाइल जाती है दोस्तों, आपको पता होगा वो कार्टून वीडियो बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, और वो दोस्तों एक ही वीडियो को लगभग एक दो तीन बार चार बार देखते रहते हैं, और आपके चैनल पे अगर वो आ गए तो आप ही के चैनल के पूरी वीडियोस देखते ही रह जाएंगे। तो कैसे क्या करना है, आपको कहां से वॉइस लेनी है, कैसे उसमें कैसे आप कार्टून वीडियो बना पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं, तो वीडियो आप सिर्फ ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं से आपको सबको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन। तो दोस्तों जो साइड पे आप लोग देख सकते हैं मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कार्टून वीडियो मतलब किस कार्टून की बात कर रहा हूँ और कार्टून वीडियो पे कितना ज़्यादा व्यूज़ मिलता है और साथ साथ उसकी अर्निंग प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। तो जस्ट दोस्तों इसके लिए मैं आ जा रहा हूँ अपने यूट्यूब के एप्लीकेशन में, ठीक है। आप देखिए दोस्तों यूट्यूब के एप्लीकेशन में आने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ कार्टून वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर ले रहा हूँ कार्टून वीडियो, यहाँ पे कार्टून वीडियो आप देखिए दोस्तों, जस्ट मैंने कार्टून वीडियो यहाँ पे सर्च कर लिया। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कार्टून वीडियो बहुत सारे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कार्टून वीडियो पे व्यूज़ कितने आते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों एक चैनल यहाँ पे 22 घंटे में यहाँ पे 1,16,000 व्यूज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों चार साल में 67 मिलियन व्यूज़ है, ये सब कार्टून वीडियो, और ये सब आप AI से, ये तो दोस्तों ये लोग कंप्यूटर से बना के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ये सब बस आप सिर्फ स्क्रिप्ट देंगे, मतलब आप अपनी वॉइस देंगे और वो क्या करेगा आपकी पूरी वीडियो बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 महीने में 44 मिलियन व्यूज़ आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे चैनल यहाँ पे 2 हफ्ते में, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 हफ्ते में इसकी, यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 हफ्ते में कितनी ज़बरदस्त व्यूज़ है। यहाँ पे देखिए 285 वीडियो भाई ने डाल रखे हैं और यहाँ पे 1.03 मिलियन यहाँ पे सब्सक्राइबर है। अब इनकी मैं अर्निंग दिखा रहा हूँ कि ये अर्निंग कितना करते हैं, मतलब अगर आप कार्टून वीडियो पे वगैरह वर्क कर रहे हैं तो आपको अर्निंग कितना होगी, तो अगर आपको ये पता चल जाएगा भाई तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आ रहा हूँ अपने गूगल में, गूगल में आने के बाद दोस्तों उस वेबसाइट को यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे सोशल ब्लेड, जस्ट यहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सोशल ब्लेड वाली वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों मैं इसका लिंक कॉपी करूँगा, इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। सोशल ब्लेड सर्च करने के बाद दोस्तों मैं इसको सर्च कर ले रहा हूँ, अभी देखिए दोस्तों इसकी पूरी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों इसका यहाँ पे पूरी पूरी हिस्ट्री हो गई है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग यहाँ पे देखिए दोस्तों $7,800 से लेकर यहाँ पे $1,24,400। अब मैं दोस्तों यहाँ पे इतना यहाँ पे ये मंथली अर्निंग करते हैं, लेकिन मैं एक मतलब एक अनुमान से यहाँ पे सिर्फ $7,800 को यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे बगल में आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज़्यादा जबरदस्त अर्निंग हो रही है, यहाँ पे कितना लाख रुपये हो रही है आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं कैसे कॉन्टेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ आपको AI से कार्टून वीडियो बनाना है और कार्टून वीडियो भी कितना ज़्यादा जबरदस्त व्यू जाता है आप तो देख ही होंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब अर्निंग प्रूफ भी देख लिए होंगे, तो अब हम बता दें दोस्तों आपको वीडियो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है।
तो वीडियो क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा सबसे पहले उस वेबसाइट पे, जो एआई का जो वेबसाइट है उस पे आना पड़ेगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं आता हूँ अपने फिर से गूगल में, ठीक है, आपको गूगल में आ जाना होगा। आप गूगल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है, ठीक है, आप देखें दोस्तों एडोब, ठीक है, यहाँ मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूँ एडोब, सॉरी यहाँ पे ADOBE एडोब, ठीक है, यहाँ पे देखिए एडोब यूट्यूब एनिमेशन फ्री, जस्ट यही आपको सर्च करना है। जैसे आप दोस्तों जैसे ये चीज़ सर्च करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट जो दिख रही है यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये देखिए दोस्तों एडोब जो वेबसाइट है ये दोस्तों एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी मतलब ये चलाती है, ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पे करेक्टर, यहाँ पे सब कुछ ऑप्शन आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब, मतलब दोस्तों ये ऑलरेडी बोल रहा है भाई कि आप यूट्यूब के लिए यहाँ पे एनिमेशन वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ दोस्तों कॉपीराइट की कोई झंझट नहीं है, ठीक है। और ये बड़ी कंपनी भाई ये बोल रही है कि भाई मैं कॉपीराइट वगैरह नहीं दूंगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी भाई कि आपको बाद में कोई कॉपीराइट का इशू देखने के लिए मिल जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे टैप करना, देखिए दोस्तों मेक एनिमेशन फॉर यूट्यूब का ऑप्शन जो दिया है उसी वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली से टैप कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आने के बाद ये कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एनिमेशन आइडियो, यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से करेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करना है, जस्ट पहले देखिए दोस्तों ये तो अभी लड़का है, अभी आपको लड़का जो दिख रहा है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों आपको जो भी करेक्टर चाहिए यहाँ पे करेक्टर यहाँ पे ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, आप जिससे बुलाना चाहते हैं इससे इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, मतलब आपको जो भी मर्जी आपके स्क्रिप्ट में आप जिससे भी बुलवाना चाहते हैं उसको बुलवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे आल का ऑप्शन दिया, आल पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों न्यू का ऑप्शन दिया है, वुमेन का ऑप्शन दिया है, क्रिएचर का ऑप्शन दिया है, फूड का दिया है, इमोजीज का ऑप्शन दिया, मतलब आप इतने सारे ऑप्शन है इसमें आके आप जो भी चाहते हैं। यहाँ पे वुमेन में आएंगे दोस्तों यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें से आप कुछ ले सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर मैं इमोजीज में आ रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इमोजीज में इतने सारे ऑप्शन आ जाए, मतलब अगर आप जिससे भी बुलवाना चाहते हैं उससे बुलवा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे आल पे आ जा रहा हूँ, आल पे आने के बाद दोस्तों कोई एक यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे कोई एक यहाँ पे करेक्टर यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। ये वाला दोस्तों करेक्टर काफ़ी पॉपुलर करेक्टर है, आप इसको कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो ये वाला मैंने करेक्टर ले लिया है। आप क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दे रहा है, एक देखिए दोस्तों साइज का ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड्स वाले ऑप्शन पे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बैकग्राउंड्स का ऑप्शन दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी बैकग्राउंड पीछे का चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों इसमें से कोई आपको बैकग्राउंड नहीं पसंद आ रहा है, मान लीजिए कोई अलग बैकग्राउंड करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उस एप्लीकेशन को दोस्तों डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको आना पड़ेगा प्ले स्टोर में। उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों इमेज डाउनलोडर, जस्ट मैं आपके सामने यहाँ पे सर्च कर लेना हूँ इमेज डाउनलोडर, आपको दोस्तों सर्च कर लेना होगा। तो मैंने आपका समय बचाने के लिए दोस्तों इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो जस्ट इसको ओपन कर लेना हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों जस्ट यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लूँगा कार्टून बैकग्राउंड, यहाँ पे कार्टून यहाँ पे बैकग्राउंड आपको सर्च करना होगा। जैसे दोस्तों कार्टून बैकग्राउंड आप सर्च करेंगे दोस्तों यहाँ पे कार्टून बैकग्राउंड के मल्टीपल बैकग्राउंड्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल के दोस्तों मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों नीचे देखिए दोस्तों डाउनलोड का सेक्शन बन गया है, जैसे उसी डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली टैप करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डाउनलोड कंप्लीटेड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, मेरा मतलब ये इमेज जो है डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको दोस्तों उसी वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक अपलोड इमेज का ऑप्शन दिया है, ठीक है, जस्ट अपलोड इमेज पे टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए दोस्तों वो जो इमेज मैंने डाउनलोड किया उस पर टैप करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए दोस्तों वो इमेज आ चुका है। अब देखिए दोस्तों ये जो कार्टून है वो कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, मतलब इसमें काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों साइज का ऑप्शन दिया है। अब साइज में देखिए दोस्तों कई सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम का साइज लीजिए, फेसबुक पे अपलोड करना है फेसबुक का साइज लीजिए, ट्विटर पे अपलोड करना है ट्विटर का साइज लीजिए। लेकिन मान लीजिए हमें यूट्यूब पे अपलोड करना है तो मैं यूट्यूब वाले साइज को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। यूट्यूब वाला साइज अगर फेसबुक पे करना है तो फेसबुक का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें यूट्यूब पे करना है तो दोस्तों मैं यूट्यूब का यहाँ पे साइज यहाँ पे ले ले रहा हूँ। YouTube का साइज लेने के बाद दोस्तों जस्ट अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों इसमें अपनी रिकॉर्डिंग कैसे देंगे, ठीक है भाई, रिकॉर्डिंग देंगे तभी ना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दोस्तों एक अपलोड आइडियो का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, एक रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों अगर आपको जो भी बोलना है वो ऑलरेडी अगर आप रिकॉर्ड करके रखें तो बहुत अच्छा, मान लीजिए इसको बुलवाना है, मान लीजिए दोस्तों आपको इसको कुछ भी बुलवाना है, ठीक है। अभी मैं तो आप दोस्तों पूरा स्क्रिप्ट के साथ बोलेगा, लेकिन मैं तो यार स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखा हूँ, ठीक है, मतलब आप जस्ट आपके सामने कुछ ना कुछ बोल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए दोस्तों इसको मुझे बुलवाना है कि यार प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जस्ट ये बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जो स्क्रिप्ट में आपके रहेगा वो चीज़ आप बोलेगा। तो जस्ट यहाँ पे आपको रिकॉर्ड पे टाइप करना है, ठीक है, रिकॉर्ड पे टाइप करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ
प्लीज दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार आपके लिए कोई भी ऐसा वीडियो नहीं लेकर आएगा जो पूरी डिटेल से आपको समझाता हो, ठीक है। जस्ट मैंने ये बोला एग्जाम्पल के लिए, लेकिन आपके स्क्रिप्ट में जो भी होगा वो आप बोलेगा। तो जस्ट यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे डन पे टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अपलोडिंग मीडिया कर रहा है, ठीक है, मतलब ये अपलोड हो रहा है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों यही करेक्टर, ये जो कार्टून है ना, यही करेक्टर आपके सामने बोलेगा। अभी तो मैं जस्ट ये जल्दी जल्दी में जो बोलना था यहाँ पे, लाइक सब्सक्राइब जो भी बोलना था मैंने बोल दिया है। तो प्लीज़ यार आप इतना ज़्यादा मेहनत करके मैं वीडियो लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक जरूर से करेगा, क्योंकि यार ये जो करेक्टर ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसको दोस्तों लोग पेड में बेचते हैं, मतलब पैसा देते तब इस ये सब चीज़ के बारे में बताते हैं। अगर इसको दोस्तों आप फनी टाइप में बनाना चाहेंगे तो फनी में भी बना सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसको फनी में बनाएंगे, बहुत सारे लोग इसकी कैटेगरी पूछते हैं, तो मैं इसकी कैटेगरी बता दे रहा हूँ। अगर आप फनी में कर रहे हैं तो आप कॉमेडी कैटेगरी को चूज कीजिएगा। अगर आप इसमें देखिए दोस्तों अगर आपको इंटरटेन कर रहे हैं, मतलब लोगों को हंसा कूदा रहे हैं, तो आप इंटरटेनिंग वाला, जो इंटरटेन का एक कैटेगरी में ऑप्शन आता है, इंटरटेन वाला ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने बात करते करते यहाँ पे मेरी वीडियो जो प्रोड्यूस हो चुकी है, सॉरी प्रोसेस हो गई है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कंप्रेसिंग हो रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद दोस्तों मेरी वॉइस यहाँ पे आपके सामने निकल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों 83% हो गया, यहाँ पे 93% हो गया, जस्ट आपके सामने बात करते करते। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरी पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपको यहाँ से आप प्ले करके आपको सुनाऊंगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों प्ले हो रहा है। अब प्ले करके सुनाऊंगा तब आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा भाई मैं कैसे करते कि मैं कैसे कंटेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ यार, इतना डिटेल में कोई नहीं बताता, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं वीडियो लेकर आता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना प्रॉपर तरीके से बोल रहा है, मतलब इसकी जो लिपसिंग हो रही है यार कितना गजब की दिख रही है। आप देखिए दोस्तों यार कितना गजब हो रही है। जैसे जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे जैसे जैसे इसकी इम्प्रेशन है, जैसे जैसे मैं बोल रहा था उस प्रकार से दोस्तों ये हाथ ऐसे कर रहा है, ये हाथ वगैरह ऐसे कर रहा है, मतलब गजब की है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने इससे बुलवाया, लेकिन आप इसमें जो कई सारे करेक्टर्स इमोजीज हैं आप उससे यहाँ पे बुलवा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ फिर से मैं सुना दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाथ देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मतलब दोस्तों क्या जबरदस्त है, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करना कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इसमें साइन इन नहीं करेंगे तब तक ये डाउनलोड नहीं होगा। तो जस्ट आपको दोस्तों शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन देगा, साइन इन वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। जस्ट आपको साइन इन कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे साइन इन करने का कोई दिक्कत नहीं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, गूगल, फेसबुक और यहाँ पे अगर आईफोन है तो आईफोन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे गूगल से यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है, गूगल पे यहाँ पे टैप कर दे रहा हूँ। गूगल पे टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एक ईमेल आईडी से अपनी कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद जस्ट अब आपके सामने इसको डाउनलोड करके भी दिखा दूंगा और अपने गैलरी में आकर दिखाऊंगा भाई, कि आपको पूरी तरह विश्वास हो जाए कि हाँ भाई मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट यहाँ पे मेरी यहाँ पे शेयर वाली यहाँ पे ऑप्शन भी आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, मेरे यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे देखिए दोस्तों डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको कहीं पर भी शेयर वगैरह कर सकता हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो कहीं पर भी शेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट यहाँ पे देखें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ये मेरे गैलरी के अंदर आ चुका है, यहाँ पे आप सुन सकते हैं दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ। दोस्तों जैसे मैंने साइन इन किया उस एप्लीकेशन में, वैसे आप भी साइन इन करिएगा। और जैसे दोस्तों साइन इन करेंगे, दोस्तों साइन इन करते ही वो क्या होगा, वो जो वीडियो होगा वो डायरेक्ट आपके गैलरी में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपके जो सभी डाउट्स है आशा करते हैं दोस्तों क्लियर हो ही चुकी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स बचा है तो यार मुझसे यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा ही बड़ा डाउट्स है यार तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन को रखिए, मैं दोस्तों तुरंत के तुरंत वहाँ पे रिप्लाई देता हूँ। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी मन में चल रहा होगा भाई, अगर मान लीजिए मुझे एक दो तीन करेक्टर के साथ बुलवाना है तो जस्ट दोस्तों जो मैंने पीछे का बैकग्राउंड जो दोस्तों सेलेक्ट किया था उसमें आपको दोस्तों ग्रीन बैकग्राउंड लेना है। तो उसको दोस्तों एडिटिंग के समय आप उसको काट पीट के, मतलब एडिटिंग के समय दोस्तों आप उसको बैकग्राउंड को काट के आप दो तीन करेक्टर को वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां तक दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज यार आपके भाई की इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका भाई सर का इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता है। तो चलिए दोस्तों भाई मिलते हैं नेक्स्ट।